इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अम्मा का मूड तो अभी भी खराब है, चल शुरू हो चाचा। फूफी जान, अरे वाह, इतने सारे मेवे, हम खाएं क्या? अच्छा ये तो बताइए क्या बन रहा है? सिवाय के लिए। वाह, पता है शीर खुरमा और किमामी सिवाय बनने वाली है ना अम्मा? ये किमामी सेवई, ये क्या होती है? तुम्हें खिमामी सेवई नहीं पता? नहीं अम्मा, इसे खिमामी सेवई नहीं पता है? तुम्हें पता है हमारे अम्मा के खिमामी सेवई इतनी फेमस है कि पूरा लखनऊ कसमें खाता है। वाह फूफी जान, माशाल्लाह, हमें भी सिखाएंगी? सिखा देंगे। अरे वाह, हम घर अम्मा छोड़िए ये सब। हमारे सुनिए ना, इतनी भी क्या बेरुखी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमने आपसे कहा था ना कि ईद के दिन दिलों को साफ रखना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी परेशान है? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि आपको लगता है हम अपने बीते हुए कल को अभी भी भुला नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं है अम्मा। हम अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ चुके हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। जीनत भाभी, अबू ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए, उसके लिए परेशान मत होइए। सुनिए, अहमद खानदान को ना अब अपना रिश्तेदार नहीं बल्कि दोस्त तस्लीम कर लीजिए। अम्मा, दिलों को साफ करने का नाम ही तो ईद है ना। अल्लाह ने हमें ये तोहफा इसलिए दिया है ताकि हम रूठों को मनाएं और बिछड़ों को मिलाएं। प्लीज अपना दिल साफ कर लीजिए हमारे लिए। जरा ये सारी बातें ना कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं बेटा, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। तुम और कबीर मियां एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। रुखसती के हंगामे के बाद कबीर मियां हमें जहर जैसे लगने लगे, हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ईद के जश्न में जाएंगे और साफ मन रखने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर इस बार अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की ना, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम अच्छी तरह से सोच लो। मौलवी साहब, ये शहर के सभी मदरसों के हक की जकात है। मौलवी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जकात तो चांद दिखने से पहले अदा की जाती है ना? चांद तो कुछ ही देर में दिखने वाला है और ये जकात अभी तक बांटी नहीं गई। कुछ लिफाफे हमने बांट दिए हैं, कुछ आप बांट दीजिए। जरूर दीजिए।